नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल VimTech Info में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाला है हमारे भारतीय स्टेट बैंक का जो CSP पोर्टल है जहां से हम वर्क करते हैं उसमें। दोस्तों क्या होता है, जो पुराने वाला पोर्टल था तो जिसके अंदर है जो कि हम अपने जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड लगाते थे किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद, तो उसमें एक ट्रिक है जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बना के CSP भाइयों के साथ शेयर की थी, और वो उस ट्रिक है जो कि काफ़ी लोगों ने पसंद की और सभी के लिए वो कामगार ट्रिक बनी थी, जिसके अंदर दोस्तों कॉपी पेस्ट करने का मैंने तरीका बताया था कि आपके जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है उसको आपको बार बार मतलब टाइप नहीं करने पड़ेंगे और आप उसको कॉपी पेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो उसका जो तरीका था वो इंसर्ट और शिफ्ट बटन वाला, वो मैंने बताया था और उसमें हम अच्छे से वर्क कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अभी क्या है, जो कि नया पोर्टल हमारा आ चुका है तो इसके अंदर है जो कि कॉपी पेस्ट का कोई भी तरीका हम यूज नहीं कर सकते, उसमें शिफ्ट और इंसर्ट बटन दबाने से भी वहाँ पर कॉपी नहीं होता है, कॉपी पेस्ट वर्क नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं कि नए वाले जो पोर्टल है उसके अंदर दोस्तों ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमें लगाने भी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, क्योंकि बैलेंस इंक्वायरी में ट्रांजेक्शन पासवर्ड लग रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट में भी लग रहे हैं, डिपॉजिट में भी लग रहे हैं। तो ये इतने सारे ट्रांजेक्शन पासवर्ड पहले नहीं थे, पहले केवल विड्रोल के अंदर ही हमें लगाने होते थे। तो चलिए दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, और उससे है जो कि आप अपने ट्रांजेक्शन पासवर्ड बार बार लगाने आपको नहीं पड़ेंगे, अब आसानी से वर्क कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नया वाला पोर्टल कुछ इस तरीके का दिखता है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक बैलेंस इंक्वायरी पहले करता हूँ, तो इसमें आपको बताता हूँ तरीका। तो यहाँ पर फटाफट से अपन लगा देते हैं आधार नंबर और इसको करते हैं प्रोसेड। तो दोस्तों जैसे हम प्रोसेड करते हैं, प्रोसेड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है वो हम यहाँ पर इसको शिफ्ट और इंसर्ट दबा के या कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर कंट्रोल और वी दबा के भी ट्रांजेक्शन पासवर्ड को यहाँ पर पेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो कि हमें मैनुअली लगाने पड़ते हैं। तो चलिए मैं एक बार लगाता हूँ। तो आपको दोस्तों करना क्या है, एक बार ऐसे अपने ट्रांजेक्शन पासवर्ड है जो कि लगा देने, ठीक है। लगाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जैसे ही ट्रांजेक्शन पासवर्ड टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको आई की देखने को मिलेगी, ठीक है। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक की देखने को मिल रही है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस की के ऊपर आपको दबा देनी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एक बार इसको मैं हटाता हूँ, एक बार आपको बताता हूँ। जैसे आप पासवर्ड नंबर नहीं लगाएंगे तो उससे नहीं लगाएंगे तब यहाँ पर आपको की देखने को नहीं मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पासवर्ड जैसे ही टाइप करता हूँ, ये देखिए जैसे एक आपने कोई भी बटन दबाया और पहला अंक जैसे टाइप किया तो यहाँ पर आपको की देखने को मिल चुकी है। तो अब दोस्तों चलिए मैं एक बार लगा देता हूँ। ठीक है, आपके पासवर्ड लगा देने हैं, उसके बाद इस की पर आपको दबाना है। इसमें दबाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर गॉट इट पे क्लिक कर देना है, इससे क्या होगा आपके ट्रांजेक्शन पासवर्ड है जो कि ब्राउजर के अंदर सेव हो जाएंगे और आपको बार बार लगाने नहीं पड़ेंगे। तो चलिए एक मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ, फिर से आपको दोबारा ट्रांजेक्शन करके इसमें बताता हूँ। ठीक है, अभी हमने लगा दिए और अभी देखा आसानी से आगे हो गया प्रोसेस। और दोस्तों नया वाला जो पोर्टल है काफ़ी पिछले 10 दिनों से काफ़ी स्लो चल रहा है, ये भी एक दिक्कत चल रही है, लेकिन जब भी चलता है तो अच्छे से चल जाता है। तो इसमें जो दिक्कत चल रही है वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट क्लिक करता हूँ और फिर से लगा के आपको बताता हूँ ऑटोमेटिकली। अभी मैंने अपने टाइप किए थे, अब ऑटोमेटिक आ जाएंगे, देख लेना, ठीक है। फिर प्रोसेड बटन भी क्लिक करेंगे, फिर प्रोसेड भी क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो ऑटोमेटिकली इसमें सेव हो चुके हैं, तो अब आपको बार बार टाइप करने नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों कि आपको क्या है कि काफ़ी हमारे ऐसे CSP भाई सब लोग जानते हैं कि ब्राउजर के अंदर पासवर्ड किस तरीके से सेव करते हैं, और काफ़ी हमारे CSP भाई ऐसे भी हैं उनको पता नहीं है कि इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड को सेव कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे वीडियो पर, तो मैंने सोचा कि चलो ये ट्रिक है जो कि आपको बता दें, और उन भाइयों के लिए जिनको पता नहीं है ब्राउजर के अंदर ट्रांजेक्शन पासवर्ड कैसे सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटी सी जानकारी है आपको अच्छी लगेगी, जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।